दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने आहार में स्वास्थ्यवर्धक चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आपको यह जानकर हैरत होगा कि फलों और सब्जियों के बीज भी आपकी सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हीं में से एक है कद्दू के बीज। कद्दू की सब्जी के साथ इसके बीज भी पौष्टिक तत्वों का भंडार है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त है तो कद्दू के बीज उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें एमिनो एसिड ट्रिप्टोफन की मौजूदगी शरीर में सेरोटोनिन को परिवर्तित कर गहरी नींद में मदद करता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार कद्दू के बीज हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। कद्दू के बीज मिनरल मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत है जो दिल के उपचार में मदद करता है। इसलिए दिल की समस्याओं से पीड़ित लोगों को कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए। इस चमत्कारी बीज में सुपाच्य प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और अग्नाशय को सक्रिय करता है। इसी कारण मधुमेह रोगियों को कद्दू के बीज खाने की सलाह दी जाती है। कद्दू के बीज के तेल में ओमेगा 3S बहुत अधिक मात्रा में होता है जो प्रोटेस्टिक अतिवृद्धि यानी BPH के जोखिम को कम करने में मदद करता है। मिनरल जिंक का एक समृद्ध स्रोत कद्दू के बीज पुरुष स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। मिनरल जिंक प्रोटेस्ट के विकास को रोकने में मदद करता है। जिन लोगों में एनर्जी का लेवल कम होता है उन लोगों के लिए कद्दू के बीज रामबाण की तरह काम करते हैं। इन बीजों के सेवन से शरीर में रक्त और ऊर्जा के स्तर के निर्माण में मदद करता है। कद्दू को प्राचीन काल से ही गुणों की खान माना जाता है। कुछ अध्ययनों से यह बात साबित हुई है कि कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण दर्द, बुखार, सूजन और जकड़न में इस्तेमाल होने वाली दवा इंडोमेथाइसिन के समान ही प्रभावी होती है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कद्दू के बीज फायदेमंद होते हैं। स्टेरॉल्स और फिटोस्टेरॉल नामक तत्व से भरपूर कद्दू के बीज शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज रेशा यानी फाइबर से उच्च होते हैं जो शरीर में फाइबर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ इसके सेवन से कब्ज की समस्या नहीं होती और पेट हमेशा साफ रहता है। कद्दू के बीज में शरीर के pH को अल्कलाइजिन करता है जिससे पेट में एसिड के गठन को रोकता है। एसिड की समस्या से बचने के लिए इसे अपने आहार में शामिल करें। इसे आप सब्जी, सूप, सलाद जिसमें चाहे और जैसे चाहे खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।